नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, दिल्ली वालों ने क्या नेता चुना है, कमाल, गजब। मतलब कि उसके तोड़ का कोई नेता पूरे भारत में है ही नहीं। अब आप बोले हैं कि मैं शराब घोटाले की बात करूंगा, या फिर जो अभी जो सीबीआई जांच के आदेश हुए दवा घोटाले की, या सरकारी अस्पताल घोटाले की, वो सब मैं नहीं करूंगा, पुरानी बातें हो गई। मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स या जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर बात करूंगा और कई आश्चर्यजनक खबरें आपको सुनाऊंगा। पिछले 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, और वो खुलासा सीच महल वाले खुलासे से भी बड़ा है। वो क्या क्या खुलासे हैं, केजरीवाल जी और उनकी पार्टी में क्या क्या चल रहा है, वो सारी कहानी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में आरटीआई से दो बेहद अहम खुलासे हुए। एक खुलासा हुआ कल यानी 8 तारीख को, और वो खुलासा ये था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास में सिर्फ सिविल वर्क के लिए 29,56,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। ये सिर्फ सिविल वर्क के लिए, मतलब कि आप ये मत समझिए कि जो रिमोट वाला पर्दा है या कमबोर्ड है या वो सब नहीं था, सिर्फ सिविल वर्क। सिविल वर्क मतलब कि प्लंबर का काम या कारपेंटर का काम, इन सब काम के लिए 29,35,00,000 रुपए से भी ज्यादा। इतने में तो 3 BHK फ्लैट आ जाता, 2-3, सिर्फ सिविल वर्क के लिए। अगर आप इससे हैरान हैं, आप परेशान हैं, तो एक बात समझ लीजिए, जो ऑफिस का उनका केबिन है ना, उसमें भी सिविल वर्क हुआ है और वहां 14 करोड़ रुपए खर्च किए। जितना बड़ा वो ऑफिस है, दफ्तर, उसमें अगर 14 करोड़ कुछ लाख रुपए खर्च कर दिया जाए तो सोना से मर जाएगा उसका। लेकिन सिर्फ सिविल वर्क के लिए खर्च हुए, बाकी पर्दे वर्दे नहीं, बाकी जो वो जो फर्नीचर आया उसके लिए नहीं, सिर्फ सिविल वर्क के लिए 14 करोड़ ऑफिस में। और ये दोनों आरटीआई से हुए खुलासे हैं, दोनों की तस्वीर आपके सामने है, अलग अलग मैं लगा रहा हूं। और अगर अब भी आपकी हैरानी में कुछ कमी रह गई हो, या ऐसे लग रहा हो कि अभी भी उनको फंसा रहा है या फिर जो कोई कर रहे हैं, तो एक बार जान जाइए कि वह बोर्ड घोटाला हुआ था, वह बोर्ड घोटाले में अमानतुल्ला खां के अलावा जिस इकलौते शख्स का नाम है वो है अरविंद केजरीवाल। और वह बोर्ड घोटाला क्या है, अगर मैं विस्तार से बताने लगूं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन आज सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर फोकस रखते हैं। ये 3 घोटाले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं अरविंद केजरीवाल के। अब आए पार्टी के अंदर। पार्टी में दो बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो कि हरियाणा में जिसकी बदौलत अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव लड़ना चाहती है, वो अशोक तंवर अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि सिरसा जो लोकसभा सीट है वो अशोक तंवर को दिया जाएगा। और अशोक तंवर जो कि कैंपेन कमेटी के हेड हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कल कॉलम में अपने नाम के आए कुछ अलग पार्टी लिखी, शायद आज़ाद हिंद पार्टी वगैरह लिखी, तो सबने कहा कि आम आदमी पार्टी से हट गए हैं क्या। दरअसल ये एक रास्ता है बीजेपी में जाने के लिए, जल्दी इसकी घोषणा हो सकती है। तो अशोक तंवर अगर बीजेपी में चले गए तो हरियाणा में केजरीवाल लड़ेंगे, किसके भरोसे, नया चेहरा ढूंढना होगा। अरविंद केजरीवाल गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह में भी लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो चुनाव लड़िए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दिल्ली में पिछले 7 साल में 7 बड़े घोटाले, सब जो शराब घोटाला बहुत फेमस हुआ, सबसे पहले शुरू हुआ था एक शिक्षा मंत्री जिनके हुआ करते थे, वो बिहार के भागलपुर यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेके आए थे, और उनको लेके गई जब टीम तो पता चला कि कौन से विद्यालय से ली थी, तो उनको उस विद्यालय का रास्ता नहीं पता था, वो बड़ा मजाक उड़ा था। उसके बाद एक सोमनाथ भारती साहब थे, युगांडा की महिला के साथ कुछ प्रकरण हुआ था ड्रग्स वाला वो, और वहाँ से करते 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 पता चला कि अब बड़े लोगों की बात कर लेता हूँ, छोटे छोटे मंत्रियों की बात क्या करें। सत्येंद्र जैन साहब फंस गए, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंस गए, अब तो शीश महल, जो दवा घोटाला, अस्पताल घोटाला, जो सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं का सप्लाई था, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, और अब रिनोवेशन घोटाला इसको कह सकते हैं, क्योंकि अपने घर के सिविल वर्क में अगर कोई इतना इतना पैसा खर्च कर सकता है, और अपने दफ्तर में अगर कोई 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ सिविल वर्क के लिए लगा सकता है तो गजब ही। लेकिन विश्व की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी के साथ इस तरह की खबरें तो बनती है। मैं अगर आरोप होता तो मैं
सोचता कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक वजहों से आरोप लगाए, लेकिन आरटीआई में जवाब मिला है, और जवाब मिला है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन, अरशद मुशरफ, एक कंस्ट्रक्शंस है। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं कि एक एक कंस्ट्रक्शन जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, कहीं अरविंद केजरीवाल कंस्ट्रक्शन ना निकल जाए। खैर, जो आएगा वो आएगा, लेकिन ये पिछले 24 घंटे में 3 बड़े खुलासे जो अरविंद केजरीवाल को लेकर हुए हैं कि अपने आवास में 29,56,00,000 से ज़्यादा का सिर्फ सिविल वर्क, अपने दफ्तर में 14 करोड़ से ज़्यादा का सिर्फ सिविल वर्क, और वफ बोर्ड घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम अमनतुल्ला खान के अलावा। इस पर नज़र बनाए रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये खबर, गरमाने वाली है आने वाले दिनों में। नमस्कार।